हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू क्लास पार्ट। एक ऐसा चैनल जो आपको इतनी ज़्यादा मदद कर रहा है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस चैनल पे। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर सप्लीमेंट्री रीडर, विच इज़ एन एलियन हैंड। एंड ये इस चैप्टर का नाम है बच्चों चांदनी। और ये एक यू नो छोटी सी स्टोरी है, बट बहुत ही ज़्यादा अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर आप इसको ध्यान से सोचो, तो दिस फुल ऑफ करेज। इट रियली गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू फाइट फॉर योर फ्रीडम और टू फाइट फॉर थिंग्स विच यू लव, नो मैटर हाउ हार्ड दे आर टू ग्रैब। सो यही है ये स्टोरी चांदनी, एक छोटी सी क्यूट सी गोट की, जिसको अपना फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको पता है कि अगर वो फ्री रहेगी तो शायद जो वुल्फ है वो उसको खा ले। तो इसी टेंशन के मारे वो बट शी स्टिल लव्स हर फ्रीडम। सो शी वॉन्ट्स टू गेट फ्री एंड शी इज़ रेडी टू फाइट द वुल्फ, नो मैटर इवन इफ इट कॉस्ट हर हर ओन लाइफ, राइट। सो या बच्चो, लेट्स गो अहेड। एंड बिफोर यू गो अहेड, लेट मी टेल यू, यू ऑल कैन एसी स्कूल एग्जाम टू दान अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड Don't forget to use my code SOS10 to get flat 10% discount on your purchase. Then, bacho, my name is Sonam Sudhan. I'm your English educator. Most welcome to your English educator session. Unacademy Classics ka Telegram channel, jahan par actually Unacademy Classics par aap log mujhe roz hi dekhte ho. To agar aap log ne uska Telegram channel join nahi kiya hai, jaldi join kar lijiye. Link description box mein hai. Then here it is a very very important update for you. अगर आपको किसी भी educator का content inappropriate लगता है तो आप इसको report कर सकते हैं, इसका भी link description box में है। Then ask a doubt, a very very useful feature for you all, जहाँ पर आप घर बैठे बैठे पूछ सकते हैं unlimited doubts, और जवाब में आपको मिलेंगे video solutions in English and Hindi। तो आपको यूज़ कैसे करना है बच्चों, आस्क डाउट, गो ऑन द अनअकैडमी ऐप, क्लिक ऑन आस्क डाउट, क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर डाउट, ठीक है, अपने डाउट की एक पिक्चर क्लिक करें, उसके बाद में आप यू नो उस पिक्चर को क्रॉप करें, फिर सब्जेक्ट मैच करें और फिर भेज दें, विद नो टाइम यू विल गेट एन आंसर। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद चांदनी। यस, चांदनी इज द नेम ऑफ अ क्यूट क्यूट गोट। चलो, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा। अल्मोरा किस जगह का नाम है। He was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. He gave his goats funny names such as Kalua, Mungia, Gujri. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one would talk to one's own children at night. He would bring them back to his little hut and put a string around their neck of each goat. तो ये स्टोरी बच्चों अब्बू खान की है, जो बेसिकली अल्मोरा में रहता था। उसका एक छोटा सा हट था और यू नो घर में उसके पास बहुत सारी गोट्स थी, उसको गोट्स बहुत अच्छी लगती थी। उसने बहुत सारी गोट्स को पेट रखा था और उसने उनको नाम दिया था कलुआ, मुंगिया, गुजरी, ये सब नाम दिए हुए थे उसको। और दिन को वो उनको ग्रेजिंग यानी कि घास खाने के ले जाता था और रात को जो है वो उनको पूरे दिन उनसे खूब सारी बातें करता था अपने बच्चों की तरह और रात को उनको वापस ले आता था। पुअर अबू वॉज अ लिल अनलकी इन द मैटर ऑफ, अच्छा हाँ, बाय द वे, गोट्स को जब वो वापस लाता था तो उनके गले के अराउंड रस्सी बांध के उनको यू नो रख देता था अंदर, लाइक ही वुड टाई अ स्ट्रिंग अराउंड द नेक एंड मतलब बिकॉज उनकी प्रोटेक्शन के लिए, अदरवाइज अगर उनके गले में रस्सी बांधी नहीं होगी तो वो भाग जाएंगे। सो वो रस्सी बांध के उनको रख देता। Poor Abu was a little unlucky in the matter of his goats. Very often at night, one of his goats would pull and pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. तो रात को कई सारी उसकी goats क्या करती थी, वो रस्सी खींच खींच के खोल के जो पहाड़ियाँ हैं उनमें गायब हो जाती थी। Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. They love their freedom. Abu's goats were the best, were of the best hill breed. They too loved their freedom. तो हिली एरियाज में बच्चों जो भी गोट्स होती है ना, उनको अपना फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके गले के अराउंड में रस्सी बंधी हो और वो किसी पोल या पेड़ के साथ में बंधे हों। तो अबू की गोट्स जो थी वो वहाँ की सबसे फाइनेस्ट गोट्स थी और उनको भी अपना फ्रीडम बहुत अच्छा लगता था। Okay, so whenever they got a chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. तो जब भी उनको मौका मिलता था वो वहाँ से गायब हो जाती थी और एक वुल्फ था जो कि उनको मतलब हिल्स में रहता था, वो उनको खा लेता था।
Whenever one of his goods disappeared, Abu was very sad. He did not understand even the juiciest grass and the grains he gave them and all the love that they showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. यानी कि उसको लगता था कि मैं इनको इतना टेस्टी घास खिलाता हूँ, इतना अच्छा खाना देता हूँ, फिर भी ये इतनी बेवकूफ़ जो गोट्स हैं, मतलब ये फिर भी गायब हो जाते हैं उस वुल्फ से मरने के लिए. इनको पता है वहाँ पे वुल्फ है, वो हमको मार देगा, फिर भी गायब हो जाती हैं. तो आई मीन फिर भी इनकी डेथ हो जाती है, हाउ अनफॉर्चुनेट. तो ये देखें बच्चों, ये है एक वुल्फ जो कि पहाड़ी में रहता था और इनकी गोट्स को खा लेता था. चलिए, आर दीज गोट्स मैड, ही वॉन्डर्ड, और इज इट दे लव देयर फ्रीडम. फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ. तो अब्बू को लगता था क्या ये पागल है, या इनको अपना फ्रीडम इतना ज़्यादा अच्छा लगता है दैट दे आर इवन रेडी टू डाई. अब्बू कुंट सॉल्व द मिस्ट्री. वन डे व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट, अब्बू सेड टू हिमसेल्फ, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन. आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, बट आई लिव विदाउट गोट्स. तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी सभी गोट्स जो हैं, मतलब फाइनली जब उसकी इतनी सारी गोट्स मर गई, तो उसने सोचा यार मैं तो अब गोट्स खाऊंगा ही नहीं, मतलब मुझे नहीं पता मैंने कितने साल जीना है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट दीज गोट्स बिकॉज यू नो दे जस्ट डाई एंड इट हर्ट्स मी एंड इट्स वेरी वेरी टफ टू डील विद दैट. सो ही डिसाइडेड कि मैं गोट्स रखूंगा ही नहीं. ही सिंपली कुंट डू विदाउट. ओके, हाउएवर द ओल्ड Poor old man was terribly lonely. He simply couldn't do without his pets. But वो बेचारा अकेला पड़ गया और अपने pets के बिना उसको जीना बहुत मुश्किल लगता था. Very soon he brought a young goat. He thought a young goat will stay with him much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. She will never want to go to the hills. And he laughed with joy. तो उसने सोचा कि चलो मैं अकेला तो हूँ ही, चलो मैं एक ना यंग सी गोट ले आता हूँ, मेरे पास बहुत देर तक रहेगी, उसको जो मैं खाना दूंगा उसको वो भी बहुत अच्छा लगेगा और वो डेफिनेटली हिल्स में नहीं जाएगी. तो वो बड़ा खुश था कि चलो मैंने अब एक यंग गोट ले आया हूँ. द न्यू गोट वॉज वेरी वेरी प्रिटी. शी वॉज वाइट एज स्नो एंड हैड टू लिल हॉर्न्स ऑन अ लिल हेड एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आईज. ग्लीमिंग इज शाइनिंग. तो जो लिल गोट उसने लाई उसका मतलब बहुत ही प्यारी थी, स्नो जैसी वाइट थी वो, उसके सिर पे छोटे से हॉर्न्स थे, रेड शाइनी आईज थी उसकी. शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परमेंट एंड वुड लिसन टू अब्बूज़ टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन. तो काफ़ी फ्रेंडली थी. टेम्परमेंट मीन्स योर एटीट्यूड, योर नेचर. तो काफ़ी फ्रेंडली थी वो और अब्बू उसको जो भी कहानियाँ सुनाता था बड़े मज़े से प्यार से सुनती थी. अबू वुड कॉल हर चांदनी विच मीन्स मून लाइट. तो अबू उसको चांदनी बुलाता था. ही लव चांदनी आई वुड एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑल ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड अलोन. सेवरल ईयर्स पास्ट, चांदनी वाज स्टिल हियर. तो छोटी जब थी बहुत सालों तक वो अबू के पास रही और बड़ी खुश थी, उसको वो कहानियाँ सुनाता था और बड़े प्यार से वो सुनती थी, बड़ी फ्रेंडली थी ये. अबू बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड for the free and fresh air of the hills beyond. Alas, he was mistaken again. तो अब्बू जो है अपनी चांदनी से बहुत प्यार करता था और उसको लगता था ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी. Alas is like a punctuation which states something when you're sad. But he was mistaken again. ऐसा तो हुआ नहीं. ये देखो, ये उसकी चांदनी है, इसकी रेड आईज हैं, स्नो वाइट छोटे छोटे हॉर्न्स, और ये अब्बू है, बहुत खुश था वो चांदनी के साथ. एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉश द हिल टॉप्स बेथ्ड इन द सनलाइट. हाउ ब्यूटिफुल आर दीज हिल्स, शी थॉट. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दीज ग्रीन फील्ड्स. सो वो रोज मतलब पहाड़ी के अराउंड जो बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज होते थे, यू नो हिल्स होते थे, वो देखती थी उनको, और वहाँ पे जो हवा इतनी अच्छी चलती थी वो उसको देखती थी, तो वो बड़ा अट्रैक्ट होती थी उससे. सोचती थी कितना अच्छा होता अगर मैं भी वहाँ पर होती. शी रैन टुवर्ड्स द हिल बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क. द रोप अराउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो फर्दर. तो जाती थी वो कि भाई चलो मैं उधर जाऊँ, बट फिर वो नहीं जा पाती थी बिकॉज उसके गले के अराउंड रस्सी होती थी और रस्सी उसको खींच लेती थी वापस. हाउ शी हेटेड दैट रोप. She stopped eating the green grass Abbu brought for her, nor did she listen to his stories with interest and affection. She lost her appetite, grew very thin and stared moodily at the hilltops bathed in sunlight. So
अब क्या हुआ कि उसके नखरे शुरू हो गए, उसको था कि भाई मैंने भी जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। और उसने क्या किया, गुस्से से खाना बंद कर दिया, बस सिर्फ वो पहाड़ियों को देखती रहती थी। अब्बू डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, एंग्विश इज पेन। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली। तो फाइनली अब्बू जो था उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या रहा है भाई, ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि अब तो मैं इससे प्यार से ही बात करूँगा, मैं इससे बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तो चांदनी ने एक्चुअली डिसाइड किया कि अब तो मैं इसको क्लियर कट बता देती हूँ। डियर अब्बू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, इफ आई स्टे इन योर कंपाउंड आई विल डाई। नाउ अब्बू अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, बट इट मेड हिम वेरी वेरी हैप्पी। तो जैसे ही उसने अब्बू को एक्सप्रेस कर दिया कि मुझे जाना है, तो अब्बू बहुत 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 सैड हो गया। The earthen pot which contained Chandani's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. Why do you want to leave me, Chandani? Abu Khan asked. I want to go to the hills, Chandani answered. But don't you like the food here? I'll give you tastier food and a much longer rope. No, thank you. Let me go to the hills. तो क्या हुआ कि अब वो बोलता है कि क्यों भाई, पहले तो जब जैसे वो सुनता है कि उसने जाना है, उसके हाथ में जो पॉट था वो मतलब टूट कर बिखर गया। और फिर वो बोलता है कि अरे क्यों जाना क्यों है, क्यों आपको खाना पसंद नहीं आता जो मैं खाना देता हूँ। तो बोलती है नहीं, इट्स नॉट अबाउट द फूड, बट तो कहते कोई बात नहीं, मैं आपको लंबी और रोप दे देता हूँ, मे बी आई गिव यू टेस्टी ऑफ फूड और समथिंग। तो बोलती है नो, आई जस्ट वॉन्ट टू गो नाउ। अब वो इज़ वेरी वेरी सैड। तो वो कहते हैं, डू यू रियलाइज द रिस्क ऑफ रनिंग यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, ऑब्स्टिनेट इज़ बेशर्म। तो बोलता है तुमको रियलाइज होता है कि तुम किस रिस्क में जा रही हो। There is a dangerous wolf in the hills. He'll eat you up. Appu did his best to warn her. तो बोलता है कि वहाँ पे हिल्स में एक वुल्फ रहता है जो कि बहुत ही डेंजरस है, तुमको पता भी है कि तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो। चांदनी answered, God has given me a pair of horns. I'll fight the wolf. तो बोलती है कि भाई मेरे को तो भगवान ने एक pair of horns दिया है, कोई बात नहीं, वुल्फ होगा भी तो मैं उसे लड़ लूँगी। Fight the wolf indeed. Have you forgotten the story of your sister Kalua, who was the size of a big deer? She fought the wolf through the night but was killed in the morning. Abu Khan narrated Kalua's story for the 50th time. तो अब क्या हुआ कि अबू बोलते हैं पागल हो क्या तुम, वुल्फ से लड़ोगी, तुम्हें याद नहीं तुम्हारी बहन थी कलुआ, और उसको वो पूरी रात वुल्फ से लड़ती रही और सुबह तक वो मर गई थी। और उसने मतलब अब अब्बू जो है वो स्टोरी चांदनी को बार बार सुनाता है। टू ऑल दिस चांदनी ओनली हैड वन थिंग टू से, आई वांट टू गो टू द हिल्स। अब्बू खान वाज अनॉयड, थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर फ्रॉम टुडे, यू विल लिव इन अ स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड। तो अब्बू को गुस्सा आता है, बोलता है तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं अब तुम्हें पहले तो बाहर छोड़ता था, अभी मैं तुम्हें हट में बंद कर दूंगा, तुम वहीं पे रहोगी, कंपाउंड में तुम फ्रीली घूमती थी, कंपाउंड इज बाहर जो मतलब लॉन होता है बड़ा सा, तो अब मैं तुम्हें वहाँ पर भी नहीं छोड़ूंगा। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव फ्रॉम द वुल्फ। मतलब चाहे तुम्हें मेरी बात का रियलाइजेशन नहीं है, बट मुझे तो तुम्हें वुल्फ से बचाना ही है ना। ही पुश्ड इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, बट फॉरगॉट टू क्लोज ए स्मॉल विंडो एट द बैक। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम। तो क्या हुआ कि अबू ने उसको हट में तो बंद कर दिया, लेकिन उसने एक बेवकूफ़ी कर दी कि वो पीछे की विंडो बंद करना भूल गया। तो उसी रात को चांदनी ने विंडो से जंप मारा और वो चली गई। ओके, चांदनी रीच द हिल्स, इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग अ पेरेंट्स आफ्टर इयर्स ऑफ सेपरेशन। तो अब क्या हुआ, वो बहुत खुश है, चांदनी पहाड़ों में जाकर बहुत खुश है, उसको ऐसे लग रहा था कि शायद मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। Whenever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang as an endless song to welcome her. तो मतलब चांदनी वहाँ पर जाकर बहुत खुश है, उधर फ्लावर्स हैं, ग्रास है, विंड है, इतना सब कुछ है, हवा चल रही है, तो वो हमेशा खुश रहती थी वहाँ पे। However different all this was from her past in the prison of Abu Khan's compound, it was the happiest day in Chandani's life. तो उसको realize होता है कि अबू खान के कंपाउंड के साथ प्रिजन जैसा था मेरे लिए, यहाँ पे सब कुछ कितना अच्छा है।
That day she played for hours on the grassy slopes of the hill. She met a herd of wild goats who asked her to join her group, but Chandani politely refused. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. तो क्या हुआ कि वो पूरे दिन घूमती रही घास में, बहुत खुश थी. फिर एक गोट्स का झुंड आया, उन्हें बोला चलो चांदनी को खेलते हैं. बट उसने बोल दिया नहीं नहीं मेरे को तो आराम से अपना शी वॉन्ट एंजॉय योर फ्रीडम. द सन डिसअपीयर्ड बिहाइंड द हिल्स एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास फ्लावर्स एंड द ट्रीज. द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग एंड देयर वॉज अ स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेज. तो अब क्या हुआ कि अब सूरज डूब गया, रात हो गई, सब कुछ शांत हो गया, ना हवा चल रही है, कंप्लीट डार्क है, और एक ही स्ट्रेंज अजीब सी आवाज़ है जो कि उसको सुनाई दे रही है. द साउंड वाज लाइक अ ग्रंट. व्हाट वाज इट? ग्रंट इज लाइक अजीब सी, डरावनी सी आवाज़. अब वो डर रही है थोड़ा थोड़ा. इट वॉजंट अबूज वॉइस कॉलिंग अ बैक टू द कंपाउंड, नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट. Then Chandani thought of the dangerous wolf who lived in the hills. She felt scared. तो अब क्या हुआ, उसको लगा कि अरे नहीं, ये तो अबू भी मुझे नहीं बुला रहे हैं और ना ही मुझे बाकी गोट्स बुला रही हैं, तो इसका मतलब कि ये वुल्फ ही है जो शायद मुझे खाने के लिए आ रहा है. अब वो डरना शुरू हो. लेट्स सी आगे क्या होता है. शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट? नो, शी सेड टू हरसेल्फ, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट. तो बोलती क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए अबू के पास? बोलती नो नो नो, मैं नहीं जाने वाली. अगर मुझे ओपन फील्ड्स में डेथ में मर भी जाती हूँ ना, दैट्स बेटर देन कि अगर मैं उसकी जेल में मरूँ तो. ओके, द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ बुशेज एंड स्टार्टेड स्टेयरिंग ग्रीडीली एट चांदनी. हिज आईज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस. ही सीम्ड इन नो हरी. He knew the goat was his. The wolf and the goat. Okay, अब क्या हुआ कि wolf बाहर आया, मतलब ऐसे भूखी आंखों से इसको देख रहा है, और वो तो मतलब आराम से, उसको पता है कि goat तो ये भाई, इसको तो मैं हरा ही दूंगा, ये तो मैं ही है, मैं ही खाऊंगा इसको. The wolf and the goat sized up each other. The wolf was big and ferocious, whereas the goat, though healthy, was small. But small is not weak. तो क्या हुआ कि अब वुल्फ और ये जो हैं दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं कि भाई चलो हम तो लड़ेंगे, लड़ने के लिए तैयार हैं. तो अब क्या हुआ कि वुल्फ जो है वो बहुत ही बड़ा है और फेरोशियस है, गुस्से वाला है और ख़तरनाक है, और चांदनी जो है वो बेचारी छोटी सी, मतलब हेल्दी थी वो, बहुत छोटी सी है. ज़रूरी तो नहीं है कि हाँ छोटा साइज मतलब हमेशा वीक ही हो. चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट. तो चांदनी जो है अटैक पोजिशन में आ चुकी है, अपनी लेग्स पे वो फर्मली खड़ी हो गई, हॉर्न्स उसने ऐसे अपने आगे निकाल दिए. जटिंग आउट इज लाइक बाहर निकले हुए हॉर्न्स. शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज. तो वो पूरी हिम्मत से, चाहे वो छोटी थी लेकिन वो पूरी हिम्मत से खड़ी हो गई अबू का मुकाबला करने. शी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी. आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट. सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस. द फाइट बिगैन. अब क्या हुआ तो चांदनी ने सोचा कोई बात नहीं, अगर मैं इससे छोटी भी हूँ कुछ नहीं होता, बट मुझे पूरी कोशिश करनी है, मतलब अपनी पूरी जान लगा देनी है इस लड़ाई में. मैं जीतूँ या ना जीतूँ कोई बात नहीं है, वो चांस की बात होती है, बट मैं पूरी जान लगाऊँ. अब क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई. पूरी रात लड़ाई चलती रही. द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगैन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स. अब चांद जो पूरा उस टाइम में रात थी, वो भी अब धीरे धीरे छटने लगा, क्लाउड्स आने लगे. द स्टार्स ऑल्सो बिगैन टू डिसअपीयर वन बाई वन. अब स्टार्स भी डिसअपीयर होने लगे. अ फेंट लाइट अपीयर इन द ईस्ट एंड इन द मॉर्निंग एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क. तो अब क्या हुआ कि जो पहाड़, सूरज जो है वो चढ़ने लगा है, और क्या है कि एक दूर के एक मॉस्क से ना सुबह की जो आज़ान होती है उसकी आवाज़ आने लगी. The first ray of sun saw Chandani lying on the ground. She was completely soaked in blood. The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. Devour का मतलब होता है खा लेना. तो अब क्या हुआ, सुबह हो गया लेकिन चांदनी का करेज ख़त्म नहीं हुआ. मतलब उसका मुंह जो है वो खून से भरा हुआ है, दोनों की लड़ाई चल रही है, और
लेकिन वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। और वुल्फ जो है वो बेचारा थक चुका है, उसको नींद आ रही है, और वो रेडी था चांदनी को खाने के लिए। An assembly of birds perched on a top of tree nearby were debating the result of the fight. Perched means sitting. तो एक birds जो थे, एक birds का ग्रुप पेड़ पर बैठा हुआ है और वो बैठ कर बात कर रहे थे कि अच्छा रिजल्ट्स क्या होगा, कौन जीतेगा, हु इज द विनर, वन ऑफ देम आस्क्ड। द वुल्फ ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम सेड, अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, चांदनी इज द विनर। लेकिन उन बाकियों ने बोला, अरे वुल्फ ही तो जीतता है हमेशा गोट और वुल्फ की लड़ाई में। लेकिन बाकियों ने, उनमें से एक था, एक बड़ा ही वाइज सा बर्ड था, उसने बोला चांदनी ही जीतेगी। सो यार दैट्स अबाउट बच्चों, अगर आप लोग पूरा हिम्मत, पूरे करेज से कोई भी काम करें, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, यू डेफिनेटली विल विन। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको इस चैप्टर के बारे में और एनसीईआरटी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट, एमसीक्यू, वो सब करना है, तो गो एंड बाय द अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन यूजिंग माय कोड SOS10। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स, रेगुलर आउटक्लियरिंग सेशन, पूरे सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज। और इस सब का प्राइस कितना होगा बच्चों, 2 साल 25,000, 18 महीने 20,000, 15 महीने 18,000। और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10। देन बच्चों, अन अकेडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स, पर्सनल मेंटोर, लाइट आउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड द प्राइस, 2 साल 48,000, 18 मंथ्स 35,000, 15 मंथ 32,000। और इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट यूजिंग माय कोड SOS10। एंड देन बच्चों, डोंट फॉरगेट टू यूज SPSO10 टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज ऑन द अनअकैडमी ऐप। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, इट वाज लवली हैविंग यू ऑल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल।